जयपुर में हुई दो वारदातों से यह साबित हो गया है कि मानसिक विकृति किस कदर इंसानियत को तहस नहस कर सकती है। हाल ही में दो स्कूली बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। कभी स्कूल वैन वाले अंकल तो कभी शराब के नशे में करीबी रिश्तेदार नन्ही परियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। और ऐसे में इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि टारगेट नन्ही जिंदगी है। राजधानी जयपुर में छोटी बच्चियों के साथ शर्मसार करने वाली वारदातों की फहरिस्त बेहद लंबी हो गई है। आए दिन निजी स्कूलों में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां बाल वाहिनी, स्कूल ऑटो चालक और कोई करीबी रिश्तेदार अपनी मानसिक विकृति का शिकार बच्चियों को बना रहे हैं। नतीजा ये है कि राज्य सरकार की इस मामले पर काफी किरकिरी हो चुकी है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन मिलकर अब यहाँ एक ऐसे काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके माध्यम से न सिर्फ स्कूली बच्चियों को गुड एंड बैड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि बेटियों को इस कदर जागरूक करने की योजना है कि वो अपने या अपने किसी साथी के साथ कुछ गलत होने की सूरत में आरोपी के खिलाफ एक बुलंद आवाज बन सके। इसके लिए पुलिस और जयपुर जिला प्रशासन शहर के अलग अलग एनजीओ के साथ मिलकर स्कूलों में काम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहल की इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि स्कूल संचालक के लेवल पे भी, बच्चों के लेवल पे भी अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह की स्थिति होने पे किसको कन्वे करें। प्रशासन की ओर से शुरू किए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत हर स्कूल में एक काउंसलिंग पैनल बनाया जाएगा, जिसमें महिला पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। एनजीओ की मदद से सभी स्कूलों के साथ साथ ऐसे इलाकों की बच्चियों को भी काउंसलिंग के दायरे में रखा जाएगा, जहां बाहर से आए परिवारों की संख्या ज्यादा है। आज अगर आप देखें तो बच्ची को ये भी नहीं मालूम कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो किसको कंप्लेन करे, कभी कभी पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता है। तो एक पहल की तरफ कलेक्टर साहब के साथ जयपुर कमिश्नरेट ने ये शुरू किया है कि स्कूल्स को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एनजीओस को इन्वॉल्व किया था, और हम लोग चाहेंगे कि उनके साथ हम ऐसे एरियाज में काम करें जहाँ पे भीड़ भड़ाक का इलाके होते हैं, जहाँ पे आउटसाइडर्स का आवागमन होता है, उनकी हेल्प के साथ हम लोग अवेयरनेस फैलाएं। इस कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में जाकर न सिर्फ बच्चियों को जागरूक किया जाएगा, बल्कि स्कूलों के बाहर सुझाव के लिए बॉक्स भी लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चियां अपनी शिकायतों को प्रशासन तक आसानी से पहुंचा पाएंगी। बच्चियों को जागरूक करने के लिए एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जिसकी पटकथा बच्चियों के माहौल से मेलजोल खाती होगी। यही नहीं, प्रशासन की योजना में बच्चियों की मदद के लिए उन्हें सभी हेल्पलाइनों की जानकारी देना भी शामिल है। एंड वन टू वन कॉन्फिडेंशियल बिटवीन स्कूल एंड द पुलिस भी चीज को शेयर करने की बात हुई है, ताकि हम चाहते हैं किसी भी रूप में वो बात हम तक पहुंचे और उसका जो कानूनी उपाय हो सकता है उसको किया जाए। जयपुर प्रशासन की माने तो पिछले कुछ दिनों में सामने आई वारदातों में बच्चियों को शिकार बनाने वाला शख्स या तो मानसिक रूप से विकृत था या फिर नशे का आदी था, लिहाजा इस कार्यक्रम में स्कूलों के लिए वाहन चालकों की पड़ताल का हिस्सा भी शामिल किया गया है। इस सूरत में किसी भी स्कूल में लापरवाही उसकी मान्यता को खारिज कर सकती है। वो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको हम लोग और व्यवस्थित ढंग से करें, उनका वेरिफिकेशन हो और उनका एक कोई आई कार्ड हो, जैसे कोई भी जना हो वो कोई ऑटो ले रहा हो तो वो उसको मांग सके कि हाँ उसका जो डिटेल रिकॉर्ड होगा वो हमारे थानों में रहेगा, और इवन जो ऑटोज के जो कार्यालय हैं उनमें रहेगा। कुल मिलाकर अभियान की सोच बेहतर है, लेकिन सवाल यही कि कागजों पर जो प्लान बनाया गया है, क्या उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन धरातल पर उतार पाएगी। जयपुर से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।